हे स्वागत करते हैं दोस्तों। हाय एवरीवन। दोस्तों जैसे कि आप सभी को मैं व्हाट्सएप के बारे में बात करना चाहता हूँ कि अभी जो पिंक वाला और जो जीवी व्हाट्सएप ऐसा कुछ एबीसीडी जो भी इतना सारा व्हाट्सएप जो निकलता है दोस्तों, वो सब सारे जो मतलब एडवांस व्हाट्सएप बोलते हैं, जो मतलब कोई उसका कोई प्राइवेसी वो कहाँ उसका डेटा स्टोर है इस बारे में कोई पता नहीं है। उस सारे ऐप को लेके जो हम लोग यूज़ करते हैं, उस ऐप को लेके बात करना चाहते हैं दोस्तों। चलिए बड़ा कंटिन्यू वीडियो देखना, ये वीडियो में आप लोगों को पता चलेगा दोस्तों कि ये जो सारे व्हाट्सएप होते हैं इस बारे में क्या सही है और क्या सही है क्या गलत, इस बारे में पूरा वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों जो हम लोग जीवी व्हाट्सएप ये सब जो व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, ये व्हाट्सएप आप लोगों को पता है कि ये लालच में आप लोगों को इस ऐप को तो डाउनलोड कराते हैं, लेकिन इस ऐप आपको कहाँ से मिलता है, जो कि एक कोई वेबसाइट जो क्रोम ब्राउज़र कोई ब्राउज़र हम लोग विजिट करते हैं, कोई एक ब्राउज़र के थ्रू कोई एक वेबसाइट में इस ऐप को वहाँ पे लिंक होते हैं, लिंक को एक दूसरे सर्वर से हम लोग उस ऐप को डाउनलोड करते हैं। तो डाउनलोड करके जो उस ऐप को यूज़ करते हैं इसमें कितना प्राइवेसी है, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा स्कैम हो सकता है दोस्तों। इस चीज़ को हम लोग नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि देखो आप जो व्हाट्सएप आप जो वो ऐसे अजीब गरीब जो फीचर्स देखने को मिलता है, वो फीचर्स आप लोग को ऑफिशियल व्हाट्सएप क्यों नहीं दे रहा, आप लोगों को ये क्वेश्चन होगा दोस्तों। ये अजीब का जो मतलब मिलता है ना, उसमें ज़्यादातर प्राइवेसी ख़राब होता है, तो इसलिए ये व्हाट्सएप इस चीज़ को अलाउ नहीं करता। लेकिन कुछ कुछ फीचर जो अलाउ करना चाहिए व्हाट्सएप, उसमें बड़े से बड़े बहुत टीम उनके बड़े बड़े कंपनी है दोस्तों, तो वो खुद काम कर रहा है इस चीज़ को लेके। तो हम लोग अगर इसी तरह से अगर ये सब गलत जो जो कि एडवांस टेक्नोलॉजी से फीचर से कोई काम की नहीं है, हम लोग अपना शौक के लिए एक अजीब से होता है ना, जैसे स्कूल कॉलेज लाइफ तक ये सब सही लगता है, उसके बाद अगर रियल लाइफ में दोस्तों ये आप लोग को सब कुछ सोच के देखो कि मैं ये व्हाट्सएप क्यों यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा प्राइवेसी कोई डेटा कहाँ स्टोर है वो नहीं पता, मेरा हो सकता है नंबर बैन भी हो जाए। आप लोगों को ये भी पता ही है, अगर ये उल्टा सीधा और व्हाट्सएप अगर नंबर इंस्टॉल करते हैं वो नंबर बैन भी हो सकता है, क्योंकि उसके क्योंकि उस ऐप पे कोई प्राइवेसी नहीं है, तो आपका नंबर कैसे प्राइवेसी होगा, क्योंकि वो स्कैम के नाम पे जाएगा, तो किसी ने रिपोर्ट बहुत लोग मारा तो रिपोर्ट हुआ तो बैन हो जाएगा वो नंबर पे। तो ये सब बहुत प्रॉब्लम होता है दोस्तों, इस चीज़ को अगर समझ कर रखो, क्योंकि ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे बहुत होते हैं ना दोस्तों। मैं और एक चीज़ ये बता देना चाहता हूँ कि जो उस ऐप पे ना अगर जो हम लोग यूज़ करते हैं ना, कि उसको मतलब आप जिससे देखोगे डबल टिक करोगे उनको सीन होगा, नहीं तो नहीं सीन होगा, आप सिर्फ देख के निकल जाओगे, सब कुछ कर सकते हैं। ये तो व्हाट्सएप भी फीचर्स अवेलेबल है, उनको ऑन ऑफ करके चलो ना, वो प्राइवेसी है, इस ऐप पे क्यों कर रहे हो। और ऐसा भी होता है कि बहुत लोगों का स्टेटस प्रोफाइल पर शो कर रहा था, लेकिन अभी व्हाट्सएप ने ऑफिशियली लेके आ गया। ओके, और व्हाट्सएप पे ये भी फीचर बहुत सारे लोगों का था कि उनका आप अपना टाइमिंग ऑफ कर सकते हो, लेकिन उसका टाइमिंग देख सकते हो, वो ऑनलाइन कब आता है कब नहीं उसका फीचर्स देख सकते हो, मतलब ये अजीब गरीब फीचर्स है दोस्तों उसमें। तो ये सब करके फिर उसमें ऐसा कुछ फीचर्स है जो कि आप लोग इसमें लिमिटेड है, वहाँ पे लिमिटेड नहीं है, अनलिमिटेड है, ये ऐसे अजीब गरीब फीचर्स के बदलो उनको एक्सचेंज कर लेते हैं, करके फिर प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो इस बारे में पूरा वीडियो है दोस्तों, ऐसा मत यूज़ करो जो कि सब लिंक के थ्रू डाउनलोड करते हो, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम होगा आने वाले टाइम में, प्राइवेसी को आपको बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तो आप ही प्रॉब्लम फंसोगे, फिर बाद में ये ना हो जाए कि आप ये चक्कर में आके आप लोग प्रॉब्लम में कहाँ आगे गिर गए। तो दोस्तों जो जीबी व्हाट्सएप में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होगा आने वाले टाइम में, और रिसर्च करके इस बारे में वीडियो लेकर आऊँगा दोस्तों। चलिए बस यही पे वीडियो एंड करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।